हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाली रहस्यमय ये महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल को उनके कॉलेज की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया। राजकुमारी बंसल जबलपुर के जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं उसके डीन का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक की छुट्टी ली थी लेकिन कोई वजह नहीं बताई। डीन के मुताबिक सरकारी संस्थान का हिस्सा होकर हाथरस जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़ना सही नहीं है और इसलिए महिला डॉक्टर को नोटिस दिया गया। वहीं राजकुमारी बंसल ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही पता था किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। राजकुमारी बंसल उस वक्त चर्चा में आई जब हाथरस की पीड़ित परिवार के बीच उनकी मौजूदगी एसआईटी के शक के दायरे में आई। इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको शो का नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की डेमोंस्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है लिखित में आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तैयार हैं आप और किसके अगला कदम रहेगा? बिल्कुल तैयार हूं मैं और जो वो जिसके लिए वो साबित करें और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूं। क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का? कि आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है, मैं बोल रही हूं आप मुझे भड़का रहे हो, किस तरह से भड़काने का? मानवीयता के नाते वहां जाने की बात उन्होंने कबूली है और ये बात भी कही है कि उन्होंने अपना एक माह का वेतन पीड़िता के परिवार को दिया है। इस बीच जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन है उनके द्वारा शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है राजकुमारी बंसल को, चूंकि शासकीय सेवक होते हुए इस प्रकार के आयोजनों में शामिल नहीं हो सकती हैं। बहरहाल इस बीच ये भी अंदेशा है कि यूपी एसआईटी की टीम जबलपुर पहुँच सकती है। वही नकली भाभी और नक्सली महिला के मामले में जबलपुर पुलिस का कहना है कि उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया। अभी यूपी पुलिस के द्वारा आधिकारिक तौर पर जबलपुर पुलिस से कोई भी संपर्क इस मामले में नहीं किया गया। कोई भी आगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी तो फिलहाल अभी जो महिला का नाम सामने आ रहा है इसको लेकर जबलपुर पुलिस का ये कहना है कि उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है और जैसे ही अगर संपर्क साधा जाता है, क्योंकि देखिए सीबीआई भी इसकी जांच करेगी, तो हो सकता है कि जल्द ही कोई और कदम उठाया जाए। फिलहाल अभी कोई जानकारी एमपी पुलिस से यूपी पुलिस ने नहीं ली है। तो ये जो महिला है इस पर कई आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि आखिरकार ये 16 से 22 सितंबर तक वहां जाती है, रहती है। आरोप ये भी कि क्या ये वहां भाभी बनकर रहती है। फिलहाल इन सभी आरोपों से ये महिला इनकार कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह हाथरस से इस वक्त है, लखनऊ से अजीत, दिल्ली से दीपक बिष्ट और भोपाल से मनोज शर्मा इस वक्त है। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या जानकारी इस महिला के बारे में अभी तक निकल कर आई है और कॉलेज के डीन ये कह रहे हैं कि आप एक पद पर होकर, सामाजिक पद पर होकर आप ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते? जाहिर तौर पर डीन का तो सीधे तौर पर ये कहना है कि आप कैसे जा सकते हैं अगर आप प्रोफेसर हैं, आप एक डिपार्टमेंट के यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश की सरकार का, तो यहाँ एक कॉलेज में एम्प्लॉय होने के नाते आपका इस तरह से किसी भी सामाजिक आंदोलन में भाग लेना ठीक नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनका तो सीधे तौर पर ये कहना है कि वो तो इसलिए गई थी क्योंकि उनके समाज से जुड़ा मामला था, उनके सामाजिक सरोकार थे और वो सामाजिक इस तरह के जो जिस तरह के काम होते हैं उसमें भाग लेती रहती हैं। लेकिन उनका कहना ये सामाजिक आंदोलन नहीं था, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कोई डेमोंस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था और वो वहाँ जाकर पहुँची थी बतौर उनकी बेटी बनकर पहुँची थी। परिवार वालों ने जब उन्हें रोका तो वो रुक गई थी। जहाँ तक नकली भाभी का सवाल है तो वो नकली भाभी बनकर ना तो उन्होंने मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया और ना ही पुलिस के सामने, ये है डॉक्टर का कहना। लेकिन पुलिस कह रही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस कह रही है कि हमें एक बार यूपी की जो एसआईटी है, यूपी पुलिस, या आप केस अगर सीबीआई को दिया जाता है तो दिया गया है तो सीबीआई अगर कोई भी उनसे इस बारे में बात करेगा, अगर वो कहेंगे कि कोई नक्सली कनेक्शन वाली कोई महिला जो जबलपुर की रहने वाली थी, जो उस घर में जाकर 4 दिन तक रुकी और जिसने वहां पर जो ताना बाना है समाज का, अजीत भी हमारे साथ लखनऊ से है। अजीत, वो महिला 16 से 22 सितंबर तक वहां रहती है, ये कहती है कि वो वहां गई थी संवेदना के तहत प्रकट करने संवेदना अपनी। दरअसल अब सवाल ये कि आखिरकार परिवार जो है वो भी ये कह रहा है कि भाई अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलते, हम नहीं जानते, क्योंकि वो ऐसा माहौल होता है कि कौन आता है कौन नहीं आता है कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस महिला पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए बिल्कुल अर्पिता, सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरह से महिला खुद कह रही कि हम गए थे और यहाँ आए थे, उनको शासकीय नौकरी में है, वो बगैर परमिशन के नहीं आ सकती और ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकती, तो इस बात की तो कम से कम पुष्टि हो जाती है कि ऐसी महिलाएं वहाँ आई थी और वहाँ रुकी थी। परिवार इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है, वो कह रहा है कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, पहले का रिश्तेदार हैं, फिर बात करने से ही मना कर दिया न्यूज 18 से। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं संदेह का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी SIT की तरफ से और पूछताछ की जाएगी, इस पूरे मामले को भी टेक ओवर किया जाएगा, जबलपुर जाएगी भी SIT या UP पुलिस की टीम, क्योंकि कल मामला हाईकोर्ट में प्रस्तुत होना है। पीड़ित परिवार को DIG सलम माथुर लेकर आएंगे, यहाँ के बड़े अफसरान भी कोर्ट में जाएंगे, DGP ACS के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को भी वहां बुलाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कल का दिन का इंतजार कर रही यूपी पुलिस। अजीत रही आप हमारे साथ हाथरस कांड में, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाथरस केस में SIT की जांच में एक महिला का जिक्र आया। SIT की जांच में ये महिला शक के दायरे में आई थी और ये महिला पीड़ित परिवार के घर में कई दिनों तक रुकी। SIT सूत्रों के मुताबिक ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। SIT के इस दावे के बाद जबलपुर की एक महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने वहां की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई, उनके फोन से छेड़छाड़ की जा रही है। इस महिला डॉक्टर ने यह दावा किया कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाती हैं वहां से छुट्टी लेकर हाथरस पीड़ित परिवार के पास गई थी और वहां दो दिन रुकी। महिला डॉक्टर ने नक्सलियों से किसी भी तरह के संबंध और नकली भाभी होने की बात से इनकार किया, साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात भी कही। SIT जांच में एक महिला का जिक्र आने पर खुद महिला डॉक्टर सामने आई, सफाई दी, लेकिन उनकी इस सफाई से कई सवाल उठते हैं। महिला डॉक्टर पीड़ित परिवार के घर आखिरकार इतने दिनों तक क्यों रुकी? क्या महिला डॉक्टर ने खुद को पीड़ित परिवार का रिश्तेदार नहीं बताया? महिला डॉक्टर की पीड़ित परिवार से रिश्तेदारी नहीं तो छुट्टी लेकर क्यों गई? क्या हाथरस आने का मकसद सिर्फ परिवार की मदद करना था? सवाल ये भी उठता है कि क्या महिला डॉक्टर का छुट्टी लेकर हाथरस आने का मकसद कुछ और था? सवाल ये भी कि क्या परिवार की मदद का असली मकसद भी कुछ और था? आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जबलपुर की इस महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी सफाई में क्या कहा। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? चूंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी, मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस, और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं जी। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊँगी आज मैं बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है जो मेरी ID से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन में, फ़ोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है, तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैम्परिंग की जा रही है, और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। अमित, सवाल तो कई उठ रहे हैं जिसके जवाब हालांकि देने की कोशिश भी ये महिला कर रही है, लेकिन इनका कहना है कि ये 2 दिन रुकी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें दिखा रहा है कि 16 तारीख से 22 तारीख तक वो वहां थी। जी हाँ बिल्कुल, यही सवाल मैंने जस्ट अभी पीड़ित के भाई का इंटरव्यू किया है। मैंने उनसे पूछा कि अब वो लोग कब लखनऊ जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में की लखनऊ बेंच में कल इस मामले पर सुनवाई है, तो उनके तरफ से कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वो लोग आज ही निकलेंगे, रात में वो लखनऊ स्टे करेंगे, ऐसा हम अपने दर्शकों को भी लगातार आज सुबह से बता रहे थे। और जब मेरा दूसरा सवाल था कि ये जो रहस्यमय महिला है जो 16 तारीख से 22 तारीख तक उनके घर पर रही, क्या रिश्ते हैं, क्यों रुकी, क्या क्या उसने बोला, तो इस पर जो है भाई ने चुप्पी साधली, लेकिन जो वो असली भाभी हैं वो आ गई कैमरे के सामने और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर थे, क्या आपने उस महिला को यहाँ पर देखा, आप लोग इस तरीके से कैसे कह सकते हैं, और उसने पीड़ित के भाई का हाथ पकड़ा और वो अंदर लेकर चली गई। तो इस तरीके का फिलहाल जो है पीड़ित परिवार का रवैया है, पीड़ित परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो महिला है रहस्यमय महिला, वो जबलपुर से लगातार मध्यप्रदेश के जबलपुर से वो बयान दे रही है कि वो मानवता के आधार पर आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कल तक रिश्तेदार बता रहे थे दूर के
रिश्तेदार जो पीड़ित परिवार की वो जो महिला है वो दूर की रिश्तेदार है, आज जो है उसका रवैया जो साफ तरीके से देखने को मिला है वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि आप लोग हम पर हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखा वो हमारे घर पे थी। तो निश्चित तौर पर सवाल तो तमाम उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं और इसी वजह से जो है शायद पीड़ित परिवार जो है इस पूरे मामले में। मनोज को जल्दी से रुक कर लेती हूँ। मनोज, ये महिला देखिए अब सामने आई और बकायदा स्पेशल जो साइबर सेल है वहां जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराती है और ये कहती है कि वो दो दिन के लिए गई थी और वो संवेदना प्रकट करने गई थी। फिलहाल आपको क्या जानकारी, क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने की जानकारी मिली, क्या कहीं और भी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर ये महिला गई थी? महिला का कहना है कि वो इस तरह की, हालांकि इस तरह के कोई सबूत तो सामने नहीं आए, लेकिन ये महिला खुद कह रही है कि वो जब भी इस तरह के कोई सामाजिक काम होते हैं और जहां पर उसे लगता है कि कोई नाइंसाफी हो रही है, कोई अन्याय हो रहा है, क्योंकि महिला ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं बाकायदा डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैंने रिसर्च की है, तो जब मुझे इस तरह की जानकारी मिली और इस तरह का हाथरस का मामला हुआ तो मैं इसलिए गई थी, मानवीयता के नाते संवेदना जताने परिवार के पास गई। और जो रुकने की यहाँ तक बात है तो कहा मैं गई तो थी और एक ही दिन जाकर लौटने लिए, मगर जब परिवार ने कहा कि रुकने के लिए उसे फोर्स किया, उसे बोला कि आप रुकिए, तो कहा मैं आपकी एक बेटी तो चली गई लेकिन दूसरी बेटी होने के नाते मैं आपके यहाँ पर रुकती हूँ, मैं भाभी की तरह नहीं, जो नकली भाभी की बात हो रही है कि मैं नकली भाभी की तरह वहाँ नहीं रुकी थी, मैं तो वहाँ एक बेटी की तरह रुकी थी। लेकिन अब यहाँ सवाल और पेचीदा इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जो डीन है, अब वो डीन कह रहे हैं कि इनका जो जाना था वो इस तरह से सरकारी सेवक होने के नाते, ये एक सरकारी सेवक इस तरह से आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। यहाँ फिर सफाई है डॉक्टर की कि वो आंदोलन नहीं था, वो तो सिर्फ एक सामाजिक सरोकार था जिसके तहत वो वहाँ पहुँची। तो ये अब लेकिन सारा सवाल आकर यहाँ टिकता है कि एक बार यूपी की जो एसआईटी है वो एक नाम का नाम उजागर करे कि ये जो शख्स था, ये महिला थी जिसके नक्सली कनेक्शन थे, या ये महिला थी जो भीम आर्मी से जुड़ी हुई थी, कोई भी, जब तक उसका नाम ना बताया जाए वो नाम सामने नहीं है। क्योंकि अभी तक जो डॉक्टर बंसल कह रही है वो सिर्फ एक अजम्पशन है, वो कह रही है कि अगर मेरी बात हो रही है तो मैं नक्सली कनेक्शन नहीं रखती, अगर मेरी बात हो रही है तो मैं भीम आर्मी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर मेरी बात हो रही है तो मैंने कोई सामाजिक आंदोलन नहीं चलाया, ऐसा डॉक्टर बंसल कह रही है। हमारे साथ हाथरस के जिस गांव में वारदात हुई वहां के लोगों ने दावा किया कि आरोपियों के परिवार और पीड़ित के परिवार में पुरानी रंजिश थी और इसके लिए पुलिस केस भी दर्ज हुआ था। संदिग्ध महिला की भूमिका पर लोगों का कहना है कि जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीड़ित परिवार के गांव के अंदर और मेरे साथ काफी गांव वाले यहां पर मौजूद हैं, यूपी पुलिस के जवान, महिला फोर्स भी यहां पर मौजूद है, लगातार जो है चप्पे चप्पे पर इस गांव के अंदर जो है यूपी पुलिस तैनात है। आज पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में लखनऊ ले जाया जाएगा क्योंकि पिछली सुनवाई के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और 5 सदस्य जो कि पीड़ित परिवार में हैं वो सभी सदस्यों को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारी DIG माथुर इस वक्त हाथरस में है और वही उन्हीं की निगरानी में इन सभी परिवार को लेकर लखनऊ जाएगी यूपी पुलिस। गांव के सदस्य हमारे साथ हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रिश्ते कैसे थे जो ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लव कुश जो अभी अलीगढ़ जेल में बंद है, संदीप और जो पीड़ित परिवार, उन लोगों का रिश्ता कैसा था? रिश्ता का उन लोगों को तो अपन पारिवारिक रिश्ता कैसे थे सबके? तो जे भी ठाकुर है तो अलग अलग, जो तो परिवार अलग अलग है और जे जाते जो लव कुश हतो का है जागी वह घूरे के पीछे लड़ाई है वो करिए और कछु ना है। कि जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि 16 से 22 तारीख तक एक महिला आके पीड़ित परिवार के घर पे रुकी, आपको जानकारी मिली इसकी? हाँ भैया, घूमट मार के बूंद बहुत हुई, ने कनाए को तो बेजा बूंदती सबसे ज्यादा भौजाई बनती कि हम भौजाई, इतनी तो हमेशा लगे भौजाई बनती। इस बीच गाँव की महिलाएं जो उनके घर में जाती थी, कोई ना जाती, कोई नहीं जाती उन्हें घर, उनके घर कोई नहीं जाती है? नहीं, रिश्ते सबके साथ ठीक नहीं है, मतलब जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में जिस तरह ये गलत भय गलत हुए हैं, गलत भय सब बालक और रिश्ते भी सही नहीं है? नहीं, गलत भय ये बालक बिल्कुल निर्दोष हैं, ये सब गलत बात है कि जी भयो के गोबर कुछ ना है, ये सब जिन्हीं को बनाया भाई ये सब यहाँ। मुझे ये बताइए, ये जो बयान बदला गया 14 तारीख को बयान हुआ मारपीट का, 16 को फिर बयान बदला गया पीड़ित परिवार की तरफ से, 19 तारीख को बयान बदला गया, फिर 22 तारीख को बयान बदला, फिर 22 तारीख को गैंगरेप का बात आया सामने, आखिर ऐसा क्यों क्यों लगता है, क्या चर्चा है? अब जी तो भैया जाने घर की जी कहा नाटिक रचो जा रो है
यानी कोई सिके रोयो ने कोई जी कहा नाटक जाम तो भैया गुई जाने वो भगवान जान दो हमें ना चली किसी जा कहानी की मतलब पारिवारिक रिश्ते सही नहीं थे उन लोगों का हाँ। बहुत पुराना लड़ाई चल रही थी हाँ लड़ाई तो बला दिन थी वो जमीन के सामने जो गंद जो वो गो पहले तो यहाँ खेत पे भैया जहाँ खेतों गुआ के पीछे यहाँ पानी पियावे आए हुए पोखर पे पशु ने तो यहाँ गुआ ने गाड़ी दी गुआ ने गुन्ने वाते मारपीट कर दी और खेत में भी मारपीट हुआ है हाँ यहाँ खेत पे भाई मारपीट हो तो बहुत दिन पहले की बात है अब की ना है तीन चार वर्ष रह चुकी हुआ बात है चार पांच रह गई हुई खेत में भी मारपीट हुआ था तीन चार साल पहले हाँ अरे चार साल है गई ज्यादा है गई हुई मिंदा को तो केस भी खत्म है वो अच्छा केस हुआ था इसके लिए हाँ पुलिस में हाँ पुलिस में केस भाई केस भी खत्म है वो